आदरणीय उपसभापति जी धन्यवाद। श्री कुमार केतकर जी का भाषण मैं बड़े गौर से सुन रहा था और उन्होंने कहा कि दो चीज़ें अलग अलग होती है और हम तो ये निश्चित रूप में बताते रहे कि राष्ट्र की सीमाएं केवल भौगोलिक दृष्टि से होती नहीं। भारत बना वो केवल 32 राज्यों को इकट्ठा किया गया इसलिए बना नहीं है। जो मटेरियल नेशनलिज्म की या इहवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसी में जो हम कह रहे हैं वो बात सामने आती है। और इसलिए यद्यपि उसको उन्होंने अलग पद्धति से रखा है मगर मैं मानता हूं कि जो हम कहते आए हैं वो एक दृष्टि से उसी का प्रतिध्वनि उनके भाषण में मैंने सुना। आज यहाँ पर राकेश सिन्हा जी के प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने भारत की ज्ञान परंपरा को जीवित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और उसको और अधिक विकसित करने के लिए कुछ संस्थागत उपाय बताए हैं जिस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इसकी भूमिका यह है और मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग विपक्ष के भी मेरे से सहमत होंगे कि भारत के आज हम आज़ादी के 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं मगर स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐसे प्रमुख नेताओं में से मैं केवल अगर तीन के उदाहरण लूं, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो तीनों में समानता क्या थी? तीनों वकालत करते थे, वकील थे। तीनों ने समाचार पत्र को एक दृष्टि से जनजागरण के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया और तीनों ने शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विचार दिया। लोकमान्य तिलक जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की बात की, महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी सर्वसमावेशी शिक्षा के बारे में कुछ मूलगामी चिंतन हमारे सम्मुख रखा। मगर दुर्भाग्यवश, ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि 47 के बाद स्वाधीनता मिलने के पश्चात हमारे शिक्षा जगत में जो आमूलचूल परिवर्तन होने की जरूरत थी, जिसको देश के मिट्टी के सुगंध का एक परिचय है, ऐसी बात शिक्षा में आने की आवश्यकता थी, उसकी सरासर उपेक्षा की गई, जिसके लिए आज आजादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में भी राकेश सिन्हा जैसे हमारे एक मित्र को इस पद्धति का प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। मान्यवर, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की बात है और मैं मानता हूं कि भारत की जो सौम्य संपदा है, भारत की जो सॉफ्ट पावर है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है। और मैं भारत की सौम्य संपदा की जब बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया सॉफ्ट पावर, आई बिलीव देर आर एटलीस्ट 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, बिकॉज सॉफ्ट पावर इज नॉट जस्ट योर इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट पावर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडियाज। एंड वॉट इज द आइडिया ऑफ इंडिया? इफ एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस आई लुक एट द वेरी कोर ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया, आई बिलीव देर आर एटलीस्ट 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स which set India apart from the other members of the Committee of Nations. And it starts with what I describe as spiritual democracy. I enter through this gate and right above the gate it has been inscribed Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. That is the fundamental of Indian thought. We never allowed the monopoly of any particular way of worship. And that is something which we have to understand and respect and then further move forward with this particular message. और आज हम देखते हैं कि कई इस पद्धति की भ्रांतियां विश्व भर में प्रचलित हैं। ईयर 2000 में जब हम नई सहस्राब्दी का प्रारंभ करने वाले थे तब यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस एक ऑर्गेनाइज की थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, मगर कुछ पूजा पद्धतियां ऐसी थी जिन्होंने उस आयोजन में सहभागी होने से इनकार कर दिया ये कहते हुए कि हम अन्य और उपासना पद्धतियों के साथ बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारी एक वरीयता है, हम अलग है, हम सबसे वरिष्ठ है। माय वे और हाई वे, इस पद्धति की भावना रखने वाले भी मजहब, इस पद्धति की भावना रखने वाले भी पूजा पद्धतियां हमारे देश में हमने देखी है, मगर इस देश का जो मूल स्वभाव है, इस देश का जो प्राण तत्व है वो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती है। और मान्यवर, इसलिए मुझे पता नहीं आदरणीय जयराम रमेश जी और कुमार केतकर जी क्या सोचते हैं, मगर भारत ने अभी अभी, मतलब तीन घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं, चाहे हिजाब के संदर्भ में जो मतलब एक उथल पुथल हुई, न्यायालय का निर्णय आया उसके विरोध में कुछ लोगों ने बातें कही, अभी कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है,
मैं उस पर नहीं बोलने वाला हूं, मगर मैं उसका सूत्र पकड़ रहा हूं। मगर इस सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस में एंटी इस्लामोफोबिया डे बनाने के बारे में एक अपना मत रखते हुए कहा कि व्हाई ओनली एंटी इस्लामोफोबिया डे, इट शुड बी एंटी रिलीजियोफोबिया डे। आई डोंट नो वेदर इन द प्रीवियस रेजिम्स द प्रीवियस गवर्नमेंट्स वुड हैव टेकन दिस काइंड ऑफ ए वेरी फर्म स्टैंड, वेरी फर्म पोजिशन। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम बिना संकोच ये भूमिका मान रहे हैं कि हमें इस्लामोफोबिया का विरोध है। मगर केवल इस्लामोफोबिया का विरोध नहीं है, हमें सारे मजहबों के विरुद्ध एक दृष्टि का जो एक प्रेजुडिस, एक पूर्वाग्रह रहता है, उसका हम विरोध करने वाले हैं। मैं मानता हूं कि ये भारत की जो मूल भूमिका है, भारत आइडिया ऑफ इंडिया है, उसका ये परिचायक है जिसके कारण हमने एक किया। और इसलिए भारत के बारे में स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी से जब हम शुरू करते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि भारत में कॉम्पिटिशन नहीं होता। मुझे तो लगता है कि हमारे यहां तो हर भगवान को कॉम्पीट करना पड़ता है अपने भक्त जुटाने के लिए, क्योंकि हर किसी को ऐसे भक्त अनायास नहीं मिलते। जो हनुमान के भक्त है, गणेश जी के भक्त है, सरस्वती के भक्त है, उन सबको अपने अपने भक्तों को और सुरक्षित रखने के लिए काम करना पड़ता है। मगर दुर्भाग्यवश आज देशभक्ति, भक्त, भक्त संप्रदाय, इनको बदनाम किया गया। ये सारे शब्द जैसे कि अपशब्द है ऐसा माना गया। मगर ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, ये हमारी एक मूल भूमिका है, एंड द स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी इज द ओनली गारंटी फॉर सस्टेनेबल प्लूरलिज्म, विच आई बिलीव वी हैव टू अप्रिशिएट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स। द सेकंड इज आवर थॉट ऑफ विदाउट कॉम्पिटिशन वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ ए कॉन्फ्लुएंस विथ मदर नेचर। हम कभी भी पर्यावरण के साथ प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रखते, ये भी हमारी विचार परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। यूनिटी इन डायवर्सिटी की बात आती है, मगर जितनी भी सारी डायवर्सिटी है, मैं मानता हूं कि वो हमारे यूनिटी का एक डायवर्स, एक विविधांगी प्रकटीकरण है। मूल रूप में हम एक है, इसलिए हमारी सारी भाषाओं में एक ही पद्धति की कहावतें हमें दिखती है। असमिया में भी कहावतें, मराठी में भी, गुजराती में भी, उनका जो समान अर्थ निकलता है वो किसी लैंग्वेज डिपार्टमेंट ने कोई जीआर निकाला इसलिए निकलता नहीं। वो हमारी सोच समान है इसलिए हमारी कहावतें, हमारे मुहावरे, चाहे जो भी भाषा हो, उसमें समानता से प्रकट करते हैं उसी भाव को। इसको भी हमें समझना चाहिए। हमारा अंत्योदय का विचार, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का विचार, ये भी हमारी ज्ञान परंपरा से निर्मित जो हमारी चिंतनात्मक भूमिका है, मैं मानता हूं कि उसके प्रमुख बिंदु है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। विश्व जब बट रहा है कि कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, या पूंजीवाद हो, कैपिटलिज्म हो, तो हमने अंत्योदय का रास्ता अपनाया है जो महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे मनीषियों ने हमें दिखाया है। और मान्यवर, इसका महत्व इसलिए भी है, जब मैं भारत की ज्ञान परंपरा की बात करता हूं, अभी कई उदाहरण आए, श्रीमान केतकर जी ने भी कुछ बातें कही। कुछ साल पहले भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष के नाते मुझे ईरान जाने का मौका मिला, और उसकी वजह क्या थी, 2018 के शायद जून जुलाई में ईरान के अध्यक्ष भारत में आए थे, और प्रधानमंत्री जी के साथ जब उनकी चर्चा हुई तो विषय ये आया कि चाहे संस्कृत भाषा हो या पर्शियन भाषा हो, इन दोनों भाषाओं का जो व्याकरणकार है वो समान है, वो एक ही है, और वो है महर्षि पाणिनि। तो पाणिनि जी के योगदान के बारे में एक वैयाकरणी के नाते, ग्रामेरियन के नाते हमने कुछ करना चाहिए। तो ICCR ने एक परिषद का आयोजन किया और तेहरान में हमने एक दो दिन का सेमिनार किया जिसमें ग्रामीण पाणिनि के योगदान की चर्चा की। जब मैं तेहरान यूनिवर्सिटी गया तो वहां के वाइस चांसलर ने मुझे कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी में हम उपनिषद पढ़ाते हैं, मुझे बताइए आपके यहां कौन पढ़ाता है। और मेरे पास तत्काल देने लायक जवाब नहीं था, क्योंकि हमने उपनिषद, रामायण, इनको पढ़ाने का विषय नहीं माना, इनको एक मजहब के साथ जोड़ा। रामायण का विषय निकला है, मैं बताता हूं, ICCR के माध्यम से 2014 के बाद हम रामायण महोत्सव करते हैं और पूरे विश्व के कई देशों से रामायण पथक आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति करते हैं, सोनल मानसिंह जी जानती है, और उस प्रस्तुति को मतलब सारे लोग बड़ा आनंद उठाते हैं। तो जब विभिन्न देशों को हम निमंत्रण भेज रहे थे तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि क्या हम ब्रुनेई को निमंत्रण भेजे। ब्रुनेई दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और 100% इस्लामिक कंट्री है, तो भेजने में कोई आपत्ति नहीं। हमने कहा भेजेंगे वो पथक, नहीं भेजेंगे कला पथक, नृत्य पथक, डजंट मैटर। मगर उनका पथक आया,
रामायण पथक, और रामायण का एक प्रसंग उन्होंने बहुत विलोभनीय तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। जब बाद में चर्चा हुई, हमारे किसी अधिकारी ने कहा कि वी वेर लिटिल अप्रिहेंसिव वेदर योर ट्रूप विल कम और नॉट, तो ब्रुनेई के उस पथक के प्रमुख ने कहा कि यू आर रॉन्ग, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वी हैव चेंज्ड अवर रिलीजन नॉट अवर कल्चर। ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय सभ्यता का वैश्विक प्रभाव है जिसको हमें स्वीकारना पड़ेगा, जिसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। और उसी बात को मैं मानता हूं कि राकेश सिन्हा जी हमें सम्मुख, हमारे सम्मुख ला रहे एक इंस्टीट्यूशनल पद्धति से। ये कोई उस समय तो हिंदुत्व शब्द की इतनी चर्चा भी नहीं होती थी, मगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने राम और कृष्ण और उनकी महानता के बारे में और भारतीय संस्कृति में उनके महत्व के बारे में किताबें लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं कुल मिलाकर। और इसका संदर्भ इसलिए भी है कि ये जो उपनिवेशवाद की छाया है हमारे सारे शिक्षा तंत्र पर, अभी जिस संसदीय स्थायी समिति शिक्षा के बारे में जो काम करती है, उसका काम करने का मौका मुझे मिला है, मैं अध्यक्ष हूं, तो उसमें हमने चर्चा की कि कला के जगत में भी ये उपनिवेशवाद कैसे छाया हुआ है। देखिए, हम यहाँ महाराष्ट्र से आते हैं, भारती जी भी महाराष्ट्र से है और एक जनजातीय चुनाव क्षेत्र से चुनकर आई है। हमारे यहाँ वारली पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है, जैसे मधुबनी है, जैसे पट्टचित्र है आपके उड़ीसा में, मगर दुर्भाग्यवश हमारे कला जगत के लोग उपनिवेशवाद की छाया के कारण उसको कहते कि ये क्राफ्ट है, और जो हेब्बर साहब या एम एफ हुसैन इन्होंने जो बताया चित्र उसको बोलते हैं ये तो आर्ट है। ये आर्ट और क्राफ्ट ये किसने किया? ये ब्रिटिशों ने किया। हम उसी धारा पर चलते रहे बगैर कोई सोचे, हम मानते हैं कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। राकेश जी भी यही बात को हमारे सम्मुख ला रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे विषय हैं। और जब हम पुरानी बातें करते हैं, जब पूर्व गौरव की बात करते हैं, इतिहास में झांक कर उससे प्रेरणा लेने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत बातें हैं उसको भी हम आगे चलाने का आग्रह रखते। कोई अगर इस पद्धति से इसको मिस इंटरप्रिट कर रहा है तो मैं मानता हूं कि वो लोग गलती कर रहे हैं। हम सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं, आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भी संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने चाहिए इस पद्धति का पुरस्कार किया था। एक स्थायी समिति, कांग्रेस की एक कमिटी ने भारत का ध्वज कौन सा हो तो उसके बारे में कहा था कि भगवा ध्वज होना चाहिए भारत का, तो ये तो सब लोग जानते ही थे, मगर दुर्भाग्यवश किसी न किसी राजनीतिक धारा के कारण, दृष्टि के कारण, कुछ भी हो सकता है, मगर इन विषयों को हमने आगे नहीं बढ़ाया। और जब हम पाठ्यपुस्तकों की चर्चा है, क्योंकि ज्ञान परंपरा का विषय है, हम देखते हैं कि हमारे पाठ्यपुस्तकों में, प्रकाश जावड़ेकर जी ने बहुत सही कहा, और जब संसद की स्थायी समिति ने इस विषय पर भी जरा एक आकलन बनाया तो एक छात्र सामने आया, यहां गुड़गावा के एक स्कूल में पढ़ता है, और उसने एक छोटी किताब लिखी है कि इतिहास में कितनी विकृतियां हैं, और वो कहता है कि हमें औरंगजेब के बारे में कितना बताया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महज दो लाइनें बताई जाती है, ये विडंबना क्यों है? महाजी शिंदे, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि 1761 में पानीपत के युद्ध के बाद 1771 से लेकर 1803 तक पूरे दिल्ली में, यद्यपि राजकाज संभालते थे बहादुर शाह जो बादशाह थे, मगर राजकाज का सूत्र था महाजी शिंदे जी के पास, मगर आज दिल्ली शहर में महाजी शिंदे के नाम से किसी ने रास्ता बनाने के बारे में सोचा नहीं। अभी हम सोचेंगे, हम सब कुछ करेंगे, पुरानी गलतियों को सुधारने का दायित्व नियति ने हम पर दिया है, मगर अब तक किसी को यह सूझा नहीं। क्यों? क्योंकि महाजी शिंदे के नाम से कोई वोट नहीं मिलते। तो मैं मानता हूं कि इन विकृतियों को समाप्त करने का काम अगर हमारा है तो उस दृष्टि से भी जो बात राकेश जी कह रहे हैं उसका महत्व हमने समझ लेना चाहिए। और जो तरह तरह की बातें आई, जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं और हमारी जो पारंपरिक ज्ञान संपदा है उसको आगे ले जाने की बात करते हैं, तो उसके जो अभिन्न अंग है उनको विरोध किसने किया, क्यों किया? क्या ये बात सही नहीं है कि केरल जैसे राज्य में कुछ दशक पहले दीप प्रज्वलन का भी विरोध किया गया था कि दीप प्रज्वलन नहीं करेंगे, उसको एक मजहब के साथ जोड़ने की गलती की गई थी और उसको स्वीकारा गया था? क्या वंदे मातरम का विरोध करने वाले तत्वों को हमने सर पर नहीं चढ़ाया था? क्या सर्वात्मका सर्वेश्वरा, ये एक महाराष्ट्र में एक कविता थी हमारे पाठ्य पुस्तकों में, उसका विरोध करने वालों को हमने कभी विरोध नहीं किया था? क्या ये बात सही नहीं है? क्या आज भी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री के सामने जब कोई जय श्री राम बोलता है तो उनको सहन नहीं होता? ये कहां की बात है? ये किस पद्धति की राजनीति है?
और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी ज्ञान परंपरा में हमारी परंपराएं भी है, हमारी ज्ञान संपदा भी है, और इन सब का विचार करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से हमारी यात्रा अतीत से लेकर वर्तमान से होकर भविष्य की तरफ जाती है, इसका आकलन, इसका एहसास हमें हमेशा रखना पड़ेगा। और यही भाव होने के कारण प्रधानमंत्री जब थे हमारे देश के पहले पंडित नेहरू, उनको भी ये लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी जो रक्षा है वो गंगा में वितरित की जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरब समंदर में डाल दो उसको, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने भी कहा कि गंगा में और उसका विसर्जन किया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को जब वो मिले तब उन्होंने यही कहा कि आपको ये भी समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के बारे में हमें जो लगता है कि आपको वो लगता है, हमारे इतिहास के बारे में हमारे मन में जो भावना है कि आपके मन में, चाहे एक आध दो बार ही उन्होंने कहा होगा मगर उनको भी ये कहना पड़ा। तो मैं मानता हूं कि ये समय का तकाजा है, हम इसको समझ ले, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फ्लैटनिंग ऑफ द वर्ल्ड के बारे में वो थॉमस फ्रीडमन ने तो हमारे एक किताब में, हमें एक किताब में तो कहा ही है कि पूरा विश्व फ्लैट हो जाएगा। हमारी अपनी जो पहचान है, अस्मिता है, उसका संबंध जो राकेश सिन्हा जी हमें कह रहे हैं उस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के साथ है, और इसलिए उसको जीवंत रखना, सुरक्षित रखना, संजोए रखना, नई पीढ़ी के हाथ ये हमारी विरासत सौंप कर और फिर इस दुनिया से चले जाना, ये मानता हूं कि आज की पीढ़ी का दायित्व है। उस दायित्व को की ओर हमारा ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं राकेश सिन्हा जी को साधुवाद देता हूं और उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत धन्यवाद।